और अब मैं इनके लिए बनाने जा रहा हूँ इडली। अब आप कहेंगे इडली तो इन्हें बनानी आती ही होगी, तो इसमें नया क्या है? लेकिन है एक छोटा सा ट्विस्ट, ये हम बताएंगे जब बनाएंगे। बनाए से? हाँ जी, शुरुआत करेंगे। ये स्टफ्ड इडली मतलब क्या स्टफ करेंगे? इसमें स्टफ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ क्या स्टफ करेंगे। हमारे पास है आलू जो हमने मैश किया हुआ है उबाल के, उड़द की धुली दाल, हमारे पास है चावल भिगोए हुए, कड़ी पत्ता, हमारे पास है साबुत लाल मिर्च, ग्रेटेड कोकोनट है, हमारे पास है यहाँ पर एक पेस्ट जिसमें हमने हरी मिर्च, जीरा, अदरक, लहसुन, धनिया और कड़ी पत्ता, इन छह चीजों का एक पेस्ट बना रखा है हमने यहाँ पर। और हमारे पास है नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल जिसमें कुकिंग होगी, राई, सरसों, और हमारे पास है यहाँ पर नमक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। जरूर। सबसे पहले हम इडली का बैटर बना लेते हैं, नॉर्मल बैटर जैसे बनता है। तो दाल डाल दी, अब इसमें डाल देते हैं चावल। जो पानी हमने चावल को भिगोने में यूज किया था वही हम इसमें डाल देते हैं और इसको ग्राइंड कर देते हैं। ओके। तो वैसा ही पेस्ट बनेगा जैसा गुंड पकाने के लिए बना था। हाँ, गाढ़ा वाला। बिल्कुल गाढ़ा। तो पेस्ट तो हमारे पास तैयार है, लेकिन सॉल्ट डाल के फर्मेंट करेंगे और हमारे पास ऐसा ही एक पेस्ट यहाँ तैयार है। अच्छा। और इसमें अब सॉल्ट मिला लेते हैं। ओके। और ये जो स्टीमर है हमारे पास, हाँ। इसमें हमारे पास यहाँ पर इडली की ट्रेज हैं, हाँ। इसको बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हमने पानी भर रखा है, हाँ। अब हम इसे तेज आंच पर इस पानी को गर्म कर लेते हैं। ओके। ढक देते हैं, हाँ। जो बैटर है हमारे पास, हाँ। इस बैटर को हम दो पार्ट्स में कर लेंगे। ओके। हम इसी बोल में रहने देंगे। ओके। और आधा बैटर इसमें निकाल लेते हैं इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर जो पेस्ट है इस बैटर में डाल देते हैं ऐसे ही एक चम्मच, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और दूसरे मिक्सिंग बोल में हम डाल लेते हैं आलू। देखिए, अब इसमें मिला लेते हैं ये मसाला। ओके। तो इस आलू के मिक्सचर को हमने स्पाइसी कर लिया। ओके। तो स्टफिंग भी हमारी तैयार है। अब ये जो ट्रेस है इनको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। ओके। थोड़ा सा आसपास ऑयल डाल देते हैं। लीजिए, अब इसमें बैटर डाल देते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम इसमें मसाला इडली का बैटर भर देते हैं। ओके। हम इसे 3/4 तक भरेंगे। ओके। और अब हम करते हैं स्टफ्ड इडली का जो प्रिपरेशन करनी है। ओके। तो पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बैटर। ओके। इतना। ये तो नई चीज है, मैं तो ये डेफिनेटली घर में ट्राई करूंगी। बिल्कुल। और अब ये जो हमारी स्टफिंग है, हम स्टफिंग को इसके ऊपर रख देते हैं। ओके। इस तरह से, ये देखिए, तो जो भी स्टफिंग आप बनाएं वो इतनी सी स्टफिंग लगती है। और अब इसके ऊपर ये बाकी का बैटर रख देते हैं। राजेश्वरी जी, पानी गर्म हो चुका है। हाँ। देखिए, अब इसमें डाल देते हैं ये प्लेट्स, ये इसको इसमें प्लेस कर देते हैं और ढक देते हैं। ओके। करीब 5-6 मिनट लगेंगे इडली को पकने में। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं। तो राजेश्वरी जी, इसकी जब तक स्टीम थोड़ी सी निकल जाएगी तब तक हम इसे साइड में रख देते हैं। तड़के के लिए एक पैन ले लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। तेल गर्म होते ही सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम सरसों, कुछ कड़ी पत्ता, एक मिर्च। ओके। गैस बंद कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नारियल डाल देते हैं। ओके। क्योंकि नारियल को हमें इतना पकाना नहीं है। हाँ। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, इसको और नहीं पकाएंगे। ये लीजिए, तड़का रेडी है। ओके। तो अब इसका स्टीमर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं। हाँ। बहुत सुंदर लग रहा है। और ये वो स्टफ्ड वाली है, देखिए स्टफिंग बाहर भी नहीं आई है, पक गया है। तो इसको निकाल लें। हाँ। अच्छी तरह छूट गया ये नीचे से, इसका मतलब ये पक चुका है। हाँ। बहुत अच्छी तरह से निकल गया ये। बिल्कुल पक चुका है, अब इसे सर्व कर देते हैं। हाँ।
तो ये हमारी मसाला इडली, मसाला वाला। तो इसमें सारा फ्लेवर पूरी इडली में है। और ये है स्टफ्ड इडली। तो ये इस तरह से लगा देते हैं। और ये आखिरी वाली ओके हम काट देते हैं ताकि अंदर की स्टफिंग दिखे। ओके ये मैंने काट दिया है और अब हम इसे सर्व कर देते हैं। ओके इस तरह से। और इसके ऊपर ये जो तड़का है इसे हम डाल देते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं। ओके तो राजेश्वरी जी कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? नहीं बहुत अच्छी लगी, ये नॉवेल्टी है मेरे लिए, मैं जरूर ये ट्राई करूंगी घर जाके। आई होप आपको पसंद भी आएगा। बहुत पसंद आएगा लगता है। राजेश्वरी जी थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे शो पर आई। तो चलिए तैयार है हमारे पास दो तरह की इडली, मसाला इडली और स्टफ्ड इडली। सर्व कर सकते हैं इसे सांभर के साथ और साथ में चटनी भी रख सकते हैं। स्टफ्ड इडली बनाने के लिए आपको चाहिए चावल आधा कटोरी, उड़द दाल आधा कटोरी, नमक स्वादानुसार, कसा नारियल दो बड़े चम्मच, पिसा हरा मसाला दो बड़े चम्मच, मैश किए आलू आधा कटोरी, तेल दो बड़े चम्मच, राई एक छोटा चम्मच, कड़ी पत्ते 5 से 6, साबुत लाल मिर्च 2। इसे बनाने की विधि नोट करें। चावल, उड़द दाल और पानी डालकर मिक्सर में पीसें और नमक मिलाएं। आधे बैटर में हरा मसाला मिलाएं, मैश किए आलू में भी मसाला मिलाएं। इडली ट्रे को ग्रीस करें। एक ट्रे में मसाला बैटर डालें, दूसरी इडली ट्रे पर सादा बैटर डालें, ऊपर से मैश आलू डालें और सादे बैटर से ढकें। दोनों ट्रेस को 5 मिनट तक कुकर में पकाएं। तड़के के लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें राई, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और कसा नारियल भूनें। इसे इडली पर डालें और सर्व करें।